हलचल इंडिया, मीडिया ने बनीता के साथ आई देखते हैं आज की हमारी खास और कुछ बड़ी खबरें। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ अपना फोटो वायरल करने पर बीए कक्षा की छात्रा और उसका बॉयफ्रेंड पुलिस गिरफ्त में। उज्जैन पुलिस कप्तान सतेंद्र कुमार शुक्ल और एडिशनल एसपी आकाश भूरिया द्वारा सोशल साइट्स पर निगरानी रखते हुए गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाते का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दे दिए हैं। उज्जैन पुलिस को कार्रवाई के दौरान एक अच्छी सफलता मिली है। कुछ समय पहले एक बीए कक्षा की छात्रा ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अवैध देशी कट्टे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल किया था। उज्जैन पुलिस कप्तान सतेंद्र कुमार शुक्ल और एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर इस महिला का पता लगाने के निर्देश दिए थे। आदेश का पालन करते हुए सोशल मीडिया पर हथियार के साथ अपना फोटो वायरल करने वाली महिला की तलाश में लग गए, लेकिन पवासा थाना प्रभारी गजेंद्र प्रचौरिया अपनी टीम के साथ लगातार अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में काम करते रहे और सोशल मीडिया पर वायरल करने वाली छात्रा को अपने बॉयफ्रेंड के साथ पाइप फैक्ट्री पर जाते गिरफ्तार कर लिया। आरोपीगण से एक देसी कट्टा, 12 बोर जिंदा राउंड 12 बोर, एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा राउंड 32 बोर और एक एक्टिवा गाड़ी को बरामद किया है। थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया के अनुसार दोनों आरोपियों का न्यायालय द्वारा पुलिस रिमांड मांगा जाएगा और पता लगाएंगे कि आखिर अवैध हथियार कहां से लाए थे और कैसे लाए थे। मामले में हथियार बेचने वाले पे भी प्रकरण में आरोपी बनाएंगे। आरोपी की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी पवासा गजेंद्र पचौरिया, एएसआई सवित्री कटारा, रोहित कुमार, आरक्षक वीरेंद्र जाट, कालीचरण, सुनील भदौरिया, भानु प्रताप सिंह, आशा बर्व, जितेंद्र सिंह की रही। पवासा पुलिस को एक बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। उज्जैन पुलिस कप्तान द्वारा चलाए जा रहे निर्देश पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है कि सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले हथियार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला? हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी महोदय द्वारा एक हमें निर्देश प्रॉपर किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर कुछ यंग जो लड़के हैं वो हथियारों का साथ में फ़ोटो डालते हैं और एक समाज में एक खौफनाक एक माहौल पैदा करते हैं। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अन्य अधिकारियों के निर्देशन में एक फ़ोटो वायरल हो रहा था, जिसके उनके निर्देशन में हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे थे और कल हमने एक लड़का और एक लड़की को जिसका फ़ोटो वायरल हुआ था उन दोनों को हथियारों के साथ में पकड़ा है। सर, क्या लगता है कहाँ से लाए थे हथियार और क्या पूछताछ में क्या पता चला? अभी उनसे हम विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं, हमारे न्यायालय में आज पेश करके पीआर भी लेंगे। ये जड़ तक जाएंगे हथियार इनके पास आकर आए कहाँ से। गिरफ्तार आरोपी कोई अपराधी किस्म के हैं? इनका ये स्टूडेंट है दोनों, इनका भी अपराधिक रिकॉर्ड तो है नहीं, बाकी अन्य थानों से भी इनका अपराधिक रिकॉर्ड पता किया जा रहा है। महिला की एजुकेशन कहाँ तक है? ये लड़की है वो बीए कर रही है और लड़का एलएलबी कर रहा है। दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? लड़की थाना क्षेत्र पवासा निमनवासा की रहने वाली है, लड़का दानीगेट थाना क्षेत्र जीवाजगंज का रहने वाला है। इनके माता पिता क्या करते हैं? लड़की के माता पिता मजदूर हैं और लड़के के माता पिता भी प्राइवेट एक दुकान चलाते हैं।